छुट्टी भएको भए चाहिँ सक्षमलाई पनि लान्थे, तर सक्षमको इक्जाम भएकोले गर्दा चाहिँ सक्षमलाई लान सक्दिनँ। अन्त आज चाहिँ सक्षमलाई छोड्दैछु। जानु मन लागिरहेको छ, बिचरा रुनु आँटेको छ। उहाँको हावाले छोडेर जाँदैछु म अहिले। अब एक दुई दिनको लागि मामालाई कस्तो चाहिँ यसले याद गर्छ हेर्नुपर्छ। फाइट खेलेर मेरो तोडफोड गरेर घर सक्छ जस्तो छ। भाइलाई कलकत्ता जानु थियो तर अफसोस यो पनि इक्जाम भयो है। भाइ जानु थियो। हेलो, गुड मर्निङ, नमस्ते, माइसेल्फ निरिता, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। ये वीडियो में मेरा आवाज़ से ज़्यादा मेरे डॉगी की आवाज़ आ रही है, वो बहुत भूख रहा था तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करके वीडियो को बनाया है। और मैं जा रही हूँ कलकत्ता मेरे अपने बेटी को लेके। क्यों जा रही हूँ वो भी आपको बताऊँगी। जूनियर मिस इंडिया की तरफ से संवर्धना को इन्विटेशन आया है एज अ गेस्ट, क्योंकि जूनियर मिस इंडिया का ऑडिशन ऑल इंडिया में हो रहा है, स्टेट स्टेट में। तो गेस्ट के रूप में उन्होंने इनविटेशन दिया था बेटी को। इस मंथ मतलब प्लेटफॉर्म में वो ऑडिशन दिए थे लास्ट ईयर, वही मंथ में उसको गेस्ट के रूप में बुलाया है। सो वेरी प्राउड ऑफ यू माई डॉटर एंड थैंक यू जूनियर मिस इंडिया। ये है खाने का सामान। ट्रेन में खाने के लिए मैंने खास तो कुछ बनाया नहीं, लेकिन घर का खाना घर का होता है बोल के हमने घर से लेके गया। और छाता रखना ज़रूरी है, रेनी सीजन है इसलिए मैंने छाता भी रख लिया। अब हम चलते हैं। एक्चुअली हमारा ट्रेन है दोपहर 3 बजे, तो मैं घर से 1:30 तक निकल चुकी थी। तो यहाँ पर मेरी मामी नातिनी को लेके हम लोगों को विदाई देने आए थे, तो उनको बाय करते करते निकल गए हम। मियाना मुस्कुरा रही है बहुत ज़्यादा। जाने के टाइम में थोड़ा बहुत 2 दिन के लिए जा रहा था, फिर भी इमोशनल सीन हो रहा था हमारा यहाँ पे। अब सक्षम थोड़ा बड़ा हो गया है तो थोड़ा समझदार भी हो गया, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार ऐसे छोड़ा। एग्ज़ाम है नहीं तो मैं लेके जाना था, तो इसे थोड़ा इमोशनल हो गया। ये रहा मैडम जूनियर मिस इंडिया, ऑल सेट रेडी। अब हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। एज यूजल हमारा ये ऑटो भी आ चुका है मेरे घर में। बाय बाय का सिलसिला हो रहा है अभी इधर से। अपूर्वा बाय कर रही है दीदी को। और ये रहा हमारा फेमस ऑटो वाला भैया, जो कि हर वक्त टाइम पे आके टाइम पे पहुंचाते हैं। अब हम चले एनजीपी की तरफ, और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था पहाड़ों का, क्योंकि अभी बारिश होके थोड़ा रुका था, तो ग्रीन ग्रीन और मौसम भी बहुत साफ और ठंडा भी था। गर्मी इतना नहीं है क्योंकि बारिश अभी कंटिन्यू 2-3 दिन से बारिश हो रही है। अब हम आ चुके हैं एनजीपी, जो कि नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नॉर्थ बंगाल में आपको हर जगह से कनेक्ट करते हैं ये स्टेशन। हमारा इलाका का सबसे बड़ा स्टेशन है। ट्रेन है हमारा वंदे भारत, जो कि हम फर्स्ट टाइम वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं। सो एक्साइटेड। वंदे भारत फास्टेस्ट ट्रेन है, बहुत सुना था। आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, फर्स्ट टाइम हम दोनों साथ में वंदे भारत में हैं। हम सक्षम और उसके पापा को बहुत मिस कर रहे हैं। देखने में इतना अच्छा लग रहा था जब हम वंदे भारत प्लेटफॉर्म में था, तब बाहर से ही ट्रेन का जैसा फीलिंग नहीं आ रहा था। बहुत साफ सुथरा, एकदम चमक धमक था। तो अंदर से कैसा है देखते हैं अभी। ये हमारा अभी कोच नंबर हमको मिल चुका है अभी, तो हम चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा है। जैसे हम अंदर गए वहाँ का नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था वैसे ही था। ट्रेन मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही था। शताब्दी सेम शताब्दी जैसा ही है। पहले हम जब ऑडिशन में गए थे तब हम शताब्दी में गए थे, तो वहाँ पे भी कंफर्टेबल था।
और शताब्दी जैसे ये है ये सेम थोड़ा बहुत लग्जरियस थोड़ा सा है लेकिन कंफर्टेबल बहुत है। अगर आपको कलकत्ता जाना है टाइम कम है तो आप शताब्दी या फिर वंदे भारत में ट्रेवल करके बिना थके आप जल्दी पहुंच सकते हो। बहुत साफ़ सुथरा है और कंफर्टेबल भी है। मुझे तो ये एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। मेरा कलकत्ता जाने का पता ही नहीं चला हम कब पहुँच गए। फ्लाइट का जैसा एक्सपीरियंस है ये। मैं एक बार फिर से आपको अच्छे तरह से वंदे भारत दिखाना चाहती हूँ। फिर मैं बाहर गई थी चिप्स वगैरह लेने के लिए क्योंकि गाड़ी में खाना है, तो वहाँ से आपको मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करने के लिए गई थी। दिखाऊँ क्या है। खाना हमने नहीं लिया था क्योंकि घर से बना के लेके आया। यहाँ पे आपको बस प्रेस करते ही दरवाजे खुलेंगे। ये मुझे एक चीज़ का अच्छे से याद आ रहा है जॉम्बी मूवी का, जो एक मूवी था ट्रेन में, ट्रेन टू बुसान, वैसे ही कुछ कुछ लग रही थी मुझको। ये रही मैडम। मैडम को मैंने चिप्स वगैरह लेके दे दिया है। अभी हम जर्नी हमारा एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं। हम ये हमारा एनजीपी से अब ट्रेन निकल चुके हैं हावड़ा की तरफ। धीरे 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 करके हमारा 3:05 में करेक्ट ट्रेन छूटा है एनजीपी से, हावड़ा की तरफ रवाना हो रही है। देखते देखते मेरा नज़र पड़ा दिशान हॉस्पिटल की तरफ जो कि मेरे घर से बहुत नज़दीक था। मैंने सोचा हम फिर से वापस वही रास्ते से जा रहे थे। ट्रेन में आपको पानी खाने का सामान सब कुछ देते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, टिकट से ही वो खाने वाला ऑप्शन हटाया था क्योंकि हमने घर से खाना लेके गई थी। तो वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर वगैरह टाइम पास के लिए पढ़ने देते हैं। तो ये कुछ पेपर्स में दिखा रहा था मुझे कि ये है सक्षम, ये इसको बहुत देखते हैं बोल के, और थोड़ा बहुत टाइम पास हो गया पेपर से। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि फुल एसी है, नज़ारा देखते देखते जा रहे थे। ये देखिए डिजिटल टीटी आके टिकट चेक करके चला गया। और ये है कुरकुरे लवर जो कि उसको पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसको कैमरा में ज़्यादा नहीं आना है, वो पसंद नहीं करती है, लेकिन मैंने कुछ कुछ मेमोरीज होते हैं बोल के मैंने रिकॉर्ड करती हूँ छुप छुप के। नज़ारा देखते देखते मैं चली गई। पूरा टेंशन स्ट्रेस फ्री होके मैं जा रही हूँ। अभी घर का काम टेंशन सब कुछ दिमाग में है लेकिन मैं फेस में नहीं दिखा रही हूँ। अच्छे से जा रही हूँ, घूम के आऊँ, 2 दिन रेस्ट करके आऊँ। ट्रेन का खासियत ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप ट्रेन पे हो। लगभग 1 घंटा हो चुके हैं जब से एनजीपी से ये ट्रेन स्टार्ट हुआ है, तो अच्छे से कवर कर रहा है। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप ट्रेन में हो या फिर फ्लाइट में हो क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन में बहुत हिलाते हैं ट्रेन। तो फ़ोन देखते देखते मैं ट्रैवल कर रही हूँ। अब ज़्यादा फ़ोन देखने के कारण से मेरा आँख में थोड़ा दर्द होने लगा है। चश्मा निकाल ली और मैं सोचा थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी अभी। ट्रेन में ट्रैवल करते करते च्युइंगम सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका, तो मैंने एक च्युइंगम लिया था। उसके साथ मैंने नेल पेंट भी रखा था बैग में क्योंकि मुझे घर में टाइम नहीं मिला था नेल पेंट लगाने का, तो
तो मैं सोचा थोड़ा नेल पेंट लगा लूं, च्युइंगम खाते खाते ट्रेन में और खाना खा के सो जाऊं। अभी हम आधा से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे तो आपको खाना मिल चुके थे। जिस जिसने खाना मतलब उसका टिकट में इंक्लूड था तो हमने तो वो ऑप्शन हटाया था। तो अपने घर से है येलो राइस, चमड़े भात जो हम बोलते हैं इसको, चमड़े भात और एग, बॉयल एग लेके आया था। तो दिन का थोड़ा सा चिकन बचा था तो चिकन लेके भी आए थे हम। खाना हमारा डन हो चुके हैं, अब बारी है सक्षम से बात करने का, क्योंकि सक्षम का कल मंडे का एग्जाम था। सो वीडियो कॉल में थोड़ा सा बात किए। सक्षम बहुत खुश लग रहा था अपने मामा के साथ। अब सफ़र हमारा मंजिल के बहुत करीब है। लगभग हम स्टेशन के अंदर अब आ चुके हैं, सब उतर गया नीचे। तो हम धीरे से उतरे क्योंकि बहुत हड़बड़ी होते हैं जब स्टेशन पे आपका ट्रेन रुकते हैं, तो हड़बड़ी से निकलना पड़ता है। तो हम लास्ट में निकले दोनों। फाइनली हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं हम दोनों। रात को 10:30 के करीब हम हावड़ा स्टेशन में पहुंच गए थे। तो अब बाहर निकलना है, फिर हमें कैब बुक करके अपने जगह पे जाना होगा। ये है रात का नज़ारा हावड़ा स्टेशन का। ये है स्टेशन के नज़दीक का मैंने लिया था और हमारा कैब भी बुक हो चुके हैं। ये पार्किंग 2 नंबर का पार्किंग है जहाँ से हमने कैब लिया था। तो ये रात का बहुत अच्छा दिखता है हावड़ा स्टेशन। सिटीज़ लाइफ अलग होते हैं, वो सिटीज़ में रात में भी रात भर मतलब रात दिन एक जैसे होते हैं। आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, ओला उबर होने के कारण आपको एकदम डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोकेशन शेयर कर सकते हो अपने रिश्तेदार के साथ, जैसे कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ लोकेशन शेयर किया था। हम आ चुके हैं रूम, ये है हमारा रूम जहाँ पे हम रुकने वाले थे। ठीक ठाक है, सुंदर, साफ सफाई है। आधा रात हो चुका है लेकिन थकान बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। नींद आ रहा था लेकिन थके नहीं थे बिल्कुल। मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया सभी व्यूअर्स को। बाय बाय, गुड नाइट ला, गुड नाइट, थैंक्स तब। छोटू बड़ा नाम है, छोटू बड़ा।